हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज बाय सुलेखा साहू। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम यहां बात करेंगे कि कैसे आप अपने फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, जो कि आपके अच्छे व्यूवर्स भी बने और आपको अच्छा वॉच टाइम भी दे, क्योंकि अच्छा वॉच टाइम आपके वीडियो को रैंक कराने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और आपके चैनल को ग्रो करने के लिए भी। तो डेफिनेटली आज हम यहाँ पर यही बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा एजुकेशन का चैनल है तो मेरे व्यूवर कौन होंगे? डेफिनेटली मेरा हायर एजुकेशन का चैनल है तो मेरे व्यूवर्स होंगे BA MA के स्टूडेंट, और उससे नीचे के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरे एक बार कहने भर से, वो मेरे जूनियर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो मेरे एक बार कहने भर से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि दी कह रही हैं, मैम कह रही हैं, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से मुझे अच्छे व्यूज़ भी मिलेंगे और वॉचिंग ओवर भी अच्छे ही मिलेंगे। तो और जब आपको व्यूज़ और अच्छे वॉचिंग ओवर मिलेंगे तो आपकी वीडियो रैंक करेगी। जब आपकी वीडियो रैंक करेगी तो ये आपको सब्सक्राइबर भी लाके देगी। इसके लिए आपको जो चल रहे आपके जो प्लेलिस्ट है, तो जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उनको प्लेलिस्ट में व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके के प्लेलिस्ट से भी अच्छी वॉचिंग आवर्स जो है कि आपको मिलती है, वो एक सीरियल में होना चाहिए, वो एक सीरियल में बना होना चाहिए। जैसे कि मेरा हायर एजुकेशन का चैनल है तो यहाँ पर जैसे कि करंट अफेयर एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को हायर एजुकेशन से जुड़े हुए न्यूज़ भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ जब मैंने चैनल शुरू किया था तो स्टूडेंट के लिए ही बताया था कि टेक्नोलॉजी बूस्ट योर नॉलेज जो एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बताया है कि वो मोबाइल में कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे वो नोटपैड का इस्तेमाल करके अपने नोट्स को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे वो नोटपैड के जो कंटेंट है, जो उनका, जो उन्होंने अपने सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं, उसको PDF में सुरक्षित कर सकते हैं, उस पर वाटरमार्क लगा सकते हैं, और वो मतलब खुद का अपना एजुकेशनल मटेरियल कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ। तो मतलब कि ये सारा जो सीरीज है जो कि पूरी तरह से एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एक YouTube हेल्प डेस्क भी है जिसपे मैं अपने खुद के अनुभव को जो है कि सबके साथ साझा करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ 2 month old चैनल है जहाँ मैंने न्यूज़ वीडियोस जो हैं, एक वीडियो है मेरी स्काई कलर की थंबनेल में UGC गाइडलाइन, उस पर सिर्फ 9 घंटे में लगभग 1500+ व्यूज़ मिले हैं। और आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो 1K+ हो चुके हैं, और कुछ आपको ऐसी मिलेंगी जिसपे 1000K व्यूज़ होने वाले हैं। तो जो है कि ये जो व्यूज़ मिलते हैं इससे तो आपको एक अच्छा वॉच टाइम भी मिलता है। ये व्यूज़ धीरे धीरे अपडेट होते हैं, मगर आपको जो है कि आपके YT स्टूडियो में तुरंत आपको दिख जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, और आपको अपना टाइटल बार बार नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक है, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं आई बटन पर, और यूट्यूब एल्गोरिदम भी आई बटन पर अटैच है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आपको एक थैंक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें कि आपको बताना चाहिए कि आपके चल रहे ट्यूटोरियल के बारे में, और जो है कि आपके आने वाले अपकमिंग ट्यूटोरियल के बारे में, जिससे आपके व्यूवर्स का जो है कि इंटरेस्ट आपके चैनल पर बना रहता है और वो आपके चैनल को लगातार वॉच करते हैं और आपके चैनल से जुड़े रहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि थैंक वीडियो कैसे बनानी चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में मेरा मानना है कि आपको अपने जो वीडियोस हैं उसके लिंक को, चैनल के लिंक को शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नया चैनल है तो किसी को सपना तो नहीं आ रहा है कि आपने एक नया चैनल बनाया हुआ है और वो खुद से वॉच करेंगे। तो इसलिए आपको जो है कि अपने चैनल की वीडियोज़ को शेयर भी करना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ जो है अपने लिमिट में ही अच्छी लगती है, ताकि आपको ज़्यादा रिज़ल्ट जो है यूट्यूब सर्च से मिले, क्योंकि यूट्यूब सर्च से जब आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं तो ऐसी वीडियोस ब्राउज फीचर में जाती है, यूट्यूब इसे रिकमेंडेड करता है, इसे सजेस्टेड वीडियो में देता है, और जब ऐसा होता है तभी आपकी वीडियो रैंक करती है और आपको ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। आपको ज़्यादा छोटी छोटी वीडियो बनानी चाहिए, मगर आपको बड़ी वीडियोज़ भी बनानी चाहिए जिससे आपको अच्छा वॉचिंग आवर मिले, क्योंकि 2020 में वॉचिंग आवर्स का रोल बहुत ज़्यादा है आपकी वीडियो को रैंक कराने के
लिए। जैसे कि मैं मंथ में एक बार एक बड़ी वीडियो बनाती ही हूँ जो कि आधा से एक घंटे के बीच की ही होती है, जैसे कि मेरी करंट अफेयर की वीडियो। आप देख सकते हैं कि उसमें अप्रैल मंथ में तकरीबन 1200 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, मई मंथ में भी 1000 होने वाले और जून मंथ की भी अच्छी चल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आधा से एक घंटे के बीच की वीडियोस होती है तो इतने ही व्यूज़ में कितने अधिक वॉचिंग टाइम इससे आपको जो है कि मिल जाता है। मगर अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड चैनल नहीं है तो आपको छोटी छोटी ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए, मगर बड़ी वीडियोस भी बनानी चाहिए, फिर आपको लाइव स्ट्रीमिंग का सहारा लेना चाहिए, इससे भी आपको अच्छा वॉच टाइम गेन हो जाता है। और अच्छा वॉच टाइम कैसे प्राप्त करें, कैसे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखें, कैसे वीडियोस को रैंक कराएं, इसके लिए मैं जो है कि अलग वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। मगर उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही YouTube रिलेटेड और ग्रोइंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ऑल कैटेगरी में, और वीडियोस को लाइक भी करें। और आप क्या जानना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत मिल जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब विथ बेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज बाय सुलेखा साहू। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।